हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो यूजुअली स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, जस्ट आफ्टर 10+2 आता है, इसलिए इस वीडियो को मैंने प्रायोरिटी दी है। वो ये है कि अभी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर BCA करें या BTech करें। तो एक चीज देखिए, पहले तो ये चीज समझिए कि आपको ये समझना पड़ेगा कि BCA करें या BTech करें। तो BCA जो होता है, अगर मैं आपको मैथमेटिकली समझा दूं क्लियरली, तो बहुत छोटा पड़ जाता है बीटेक से, बहुत ही ज्यादा छोटा पड़ जाता है। एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा कि भले ही लोग कहते हैं बीसीए भी एक बैचलर्स डिग्री है, यानी कि आपको बैचलर्स डिग्री का मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आप बीटेक के मुकाबले कहीं नहीं होंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, बीटेक वाले आपको डोमिनेट करेंगे, भले ही बीसीए और बीटेक दोनों ही बैचलर्स डिग्री है। इसलिए बी मेक योर माइंड, पहली बात तो ये है कि बीसीए और बीटेक में कोई कंपैरिजन नहीं है, इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। यानी बीसीए अगर आप करते हैं वो कहीं स्टैंड नहीं करता है बीटेक वालों के सामने। क्यों? क्योंकि आज के सिनेरियो में क्या हो गया है ना, आज के सिनेरियो में ये हो गया कि बीटेक जो है वो एक तरह से आप इस सिंबल को पहचानते होंगे, सिंबल मैथमेटिक्स में बहुत यूज किया जाता है, मतलब सम हाउ इट इज इक्विवेलेंट टू MCA। यानी कि भले ही बीटेक एक बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, और MCA चल के आपका जो है वो क्या हो जाएगा, मास्टर्स डिग्री हो जाएगा, इट विल बी अ मास्टर्स डिग्री, लेकिन इसके बावजूद बच्चा आप याद रखिएगा इन दोनों की डिग्रियां इक्वल लगभग लगभग हर एग्जाम में मानी जाती हैं, चाहे वो आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो, और चाहे आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो। इवन मैं आपको बताऊं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, इंस्टीट्यूट की मैं BCA प्लस MCA किया हुआ हूं, मैंने BCA और MCA किया हुआ, इसके बावजूद मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं कहीं कहीं अपने आप को बीटेक कर जिन्होंने किया है उनसे पीछे पाता हूं। उनको जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उतनी उस कंपैरिजन में मैं अपने पास अपॉर्चुनिटीज कम पाता हूं, बिलीव कीजिए इस चीज को, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे बीटेक जो है वो मांगता है और या MCA मांगता है, इसका मतलब समझ रहे हैं, बीटेक और MCA का मतलब क्या हुआ कि बीटेक कर लो या MCA कर लो, दोनों बराबर कर लेते हैं। यानी कि आप सोचिए कि अगर आप कहते हैं कि सर BCA और BTech में क्या इक्विवेलेंट है, तो भैया कोई दोनों में कंपैरिजन नहीं है, BCA बहुत पीछे छूट चुका है, BCA का कोई BTech के सामने वैल्यू नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये क्लियर करनी है मुझे कि BTech जो है MCA के बराबर है, यानी BTech अगर आप करते हैं तो जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो प्राइवेट में आए चाहे वो गवर्नमेंट में आए, वो बोलेंगे या तो आप बीटेक हो या तो आप MCA हो, जबकि बीटेक जो है एक बैचलर्स डिग्री है और MCA क्या है, एक मास्टर्स डिग्री है, इसके बावजूद ये हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि बीटेक अगर इक्वल हो चुका है, इक्विवेलेंट हो चुका है MCA के, तो इसका मतलब ये है कि BCA कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, और बीटेक की जहां जहां वैकेंसीज है वहां MCA को मांगता है, BCA को तो पूछता तक नहीं है कि भैया आपने BCA किया है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, भर भी नहीं सकते इवन आप। तो ये बहुत बड़ा एक इश्यू है जो मैं आपको बता रहा हूं कि BCA प्लस MCA और वर्सेस बीटेक इसी वजह से हो गया, ना कि मैंने BCA वर्सेस बीटेक कहा, क्योंकि हो ही नहीं सकता, वर्सेस है ही नहीं। पहले तो क्लियर कर लीजिए BCA और बीटेक में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत पीछे छूट चुका है। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन की, मैंने ये क्यों लिखा कि BCA प्लस MCA वर्सेस बीटेक। देखिए, इसमें आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। बीटेक, देखिए मैं जो बात आपको बता रहा हूं बच्चा, ठीक है, वो ये इस हिसाब से बता रहा हूं कि आप टॉप के कॉलेजेस में नहीं है। कितने परसेंट बच्चे जो है टॉप के कॉलेज में IIT NIT VIT वगैरह में जाते हैं? जो मैं एक बात कर रहा हूँ वो मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मतलब ठीक ठाक कॉलेज से पढ़ते हैं, ना ही बहुत ज्यादा हाई फाई है, ना ही बहुत ज्यादा लोअर है, इवन बहुत ज्यादा लोअर वाले कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। मतलब मेरे इस वीडियो को वो उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत हाई फाई कॉलेज में, और फिर वो मेरे से आगे आर्ग्यूमेंट करेंगे कि सर आप तो इतना बोल रहे थे इतनी सैलरी मिली, आप हाई फाई कॉलेजेस से हैं, बड़े कॉलेजेस से हैं तो आपको मिल सकती है। मैं यहाँ पे मास की बात कर रहा हूँ, जनरल की बात कर रहा हूँ। देखिए BCA प्लस MCA और बीटेक में दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझिएगा। पहली चीज तो मैंने आपको यहाँ ये बता दी भैया कि BCA जो है वो कभी भी छोटा है बीटेक से, इंस्टीट्यूट ऑफ द फैक्ट दोनों बैचलर डिग्री है। दूसरा फैक्ट मैंने ये बता दिया इसको प्रूफ करने के लिए, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज उठा लीजिएगा, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कोई भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी जहां पे आपको बीटेक मांग रहा हूं, देखिए बीटेक और MCA लिखा हुआ रहता है, ये प्रूफ है। यानी कि कहीं ना कहीं बीटेक को MCA के इक्विवेलेंट लाइक खड़ा कर दिया गया है। तो मतलब जब बीटेक को MCA के इक्विवेलेंट खड़ा कर दिया गया है तो भैया BCA कौन है, BCA साहब क्या विचार है? दो फैक्ट यहां से क्लियर हो गया। तीसरा क्या है देखिएगा, पहली चीज तो यहां पे है कि BCA कितने साल का होता है बच्चा, BCA होता है 3 years,
थ्री इयर्स का प्रोग्राम होता है ये, और ठीक वैसे ही एमसीए जो होता है वो भी थ्री इयर्स का होता है। यानी बीसीए भी थ्री इयर्स का है, एमसीए भी क्या है, थ्री इयर्स का है। दोनों के दोनों थ्री इयर्स के होते हैं। किसी किसी जगह पे ये टू इयर्स का हो जाता है। कहीं कहीं जो होता है वो लेटरल एंट्री होती है। लेटरल एंट्री का मतलब होता है जिन्होंने बीसीए किया है उसको एमसीए दो साल में करा दिया जाता है। ठीक है, तो इन दैट केस हम देखें तो फाइव इयर्स आप देंगे, ठीक है, मिनिमम, या आप क्या देंगे, सिक्स इयर्स देंगे। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आप सिक्स ईयर देंगे। शायद ही कोई ऐसा जगह मिले जहां पे आप पांच साल में हो जाए, क्योंकि एमसीए भी अब तीन साल का हो चुका है, पहले दो साल का होता था, अब तो शायद है भी नहीं ऑफर। तो मान के चलिए सिक्स ईयर्स, और बीटेक आप कितने में कर लेंगे, चार साल में कर लेंगे, फोर ईयर्स में कर लेंगे। ठीक है बच्चा, फोर ईयर्स में आप बीटेक कर लेंगे। छह साल दे के आप बिल्कुल उसी के बराबर आगे खड़े होते हैं जो चार साल में है। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय आप बारहवीं के एग्जाम दे रहे थे और कोई बच्चा दसवीं के एग्जाम दे रहा था, जब आप एमसीए करके बाहर निकलेंगे और वो बीटेक करके बाहर निकलेगा, तो आप दोनों की सैलरी सेम होगी। यानी आपके लाइफ का दो साल खत्म, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा आपके लाइफ का दो साल। और आप बिलीव कीजिए, इतना फ्रस्ट्रेटेड महसूस कीजिएगा हद से ज्यादा, जो मैंने खुद पर्सनली किया होगा, जो मैंने खुद पर्सनली किया उससे ज्यादा मुझे पता है। क्योंकि मैं जब कहीं देखता हूँ वैकेंसीज में, इवन कहीं कहीं वैकेंसीज में ये देखता हूँ कि बीटेक वालों को अलाउड है, एमसीए वालों को अलाउड नहीं है। कि नहीं एमसीए नहीं, सिर्फ बीटेक हमें चाहिए, एमसीए हमें चाहिए ही नहीं। क्यों भैया, मास्टर्स होने के बावजूद जो है बीटेक से तुमने हमें पीछे डाल दिया है, तो अब इसका क्या कहानी, आप किससे लड़ने जाएंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम यही है, हमारे जॉब्स के एलिजिबिलिटी को डिसाइड करने वाले भाई वाले भी ऐसे ही है कि मास्टर्स डिग्री को मना करके बैचलर डिग्री लेते हैं। सो जो फ्रैंक चीज है वो जानिए, वो चीज जानिए जो रियली में आज के टाइम में इंडस्ट्री में यही कहानी है, इंडस्ट्री की यही कहानी है बच्चा। एक चीज जान जाइए, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा बीसीए प्लस एमसीए करके बीटेक वालों के सामने सर्वाइव करना। मैं इसका मतलब कतई नहीं कहता हूं कि आप बीटेक ही कीजिए। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सर फिर आप तो हमेशा नेगेटिव ही हैं, मतलब ऑब्वियसली इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, नहीं। अब आप आइए, अगर मैं एक बात करूं कि बीसीए प्लस एमसीए करके आपको कितनी सैलरी मिलनी है, तो बीसीए प्लस एमसीए करके आपको सैलरी मिलनी है तो आप स्टार्टिंग कीजिएगा 25,000, मैक्सिमम जो है 50,000 जो है वो, 25,000 की सैलरी आपको मिल जाए तो आप समझिए कि आपने बहुत बड़ी तीर मार ली है। ठीक है, 25,000 पर मंथ, ठीक है, कि सैलरी अगर आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी तीर मार ली है। और इसमें भी आपको सैलरी जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, 20,000 से 25,000 की सैलरी मिल जाती है। तो सैलरी प्रोस्पेक्ट में भी देखिए तो आपको कहां कोई फायदा मिला, कोई फायदा नहीं मिला। जो सैलरी आपको बीसीए प्लस एमसीए यानी कि 6 साल देके मिलेगी, वही आपको 4 साल देके मिलेगी। इवन इनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी, इनकी ग्रोथ क्या होगी, आपकी ग्रोथ से ज्यादा अच्छी होगी। इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम होगी, ठीक है, यानी इसकी ग्रोथ जो है वो लेस देन होगी इस ग्रोथ की, इसकी ग्रोथ की। क्यों, रीजन है, रीजन क्या है, एक्चुअली बीटेक में क्या हो गया, इंजीनियरिंग का तगमा लग गया, इंजीनियरिंग, ठीक है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग है ना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम कहते हैं ना आजकल हर दूसरे घर में इंजीनियर है, वो वाली बात है। जबकि आप मास्टर्स होकर कोई इंजीनियर नहीं बनते हैं, आप एमसीए होकर कोई इंजीनियर, अपने आपको नहीं बोल सकते कि आप कंप्यूटर इंजीनियर, नहीं बोल सकते आप भले ही ऐसे बोल लीजिए लेकिन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मिला जुला के मेरे हिसाब से यह है कि बीसीए प्लस एमसीए और बीटेक, इन दोनों में अगर आपके पास ऑप्शन है बीटेक करने का तो बीटेक ही कीजिए। अब आइए, ऑप्शन है का मतलब क्या हुआ, देखिए बीटेक करने में ना पैसे अच्छे खासे खर्च हो जाते हैं, ठीक है, 4 साल आपको रहना खाना पीना फीस वगैरह बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक तरह से थोड़ा सा तो कॉस्टली हो ही जाता है। अगर आप एवरेज कॉलेज से भी करेंगे तो खाना पीना रहना 4 साल का अगर फीस मान लीजिए 1 लाख पर ईयर है, ठीक है, तो 4 साल की फीस 4 लाख रुपए हो गई, और पर ईयर अगर आप 1 लाख का भी खर्चा करते हैं रहने में और सब चीजों में तो 4 लाख इसके भी मान लीजिए, तो आपको लगभग लगभग 8 लाख से खर्चा है आपका, ठीक है। अब 8 लाख खर्चा यहाँ है। बीसीए उन लोगों के लिए है बच्चा जो, देखिए ध्यान समझिएगा, बीसीए उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, फिर भी कंप्यूटर साइंस में जो है वो बनाना चाहते हैं पहचान, ठीक है, बीसीए उन लोगों के लिए है। फिर आइए, बीसीए करने के बाद रुकिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, जॉब कितने की मिलेगी, 10,000 से 15,000 की जॉब मिल जाएगी, और आपकी लाइफ जो है स्टैग्नेंट हो जाएगी, बिल्कुल मतलब बेकार सी हो जाएगी, स्टैग्नेशन आ जाएगा आपकी लाइफ में। स्टैग्नेशन तो समझते हैं, 10-15 हज़ार की सैलरी को ना 25-30 हज़ार बनने में सालों लग जाएंगे, इट विल टेक ईयर्स, याद रखिएगा, बहुत शायद पॉसिबिलिटी भी बहुत कम आएगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने साथ में मेरे बीसीए किया था और बीसीए करके वो जॉब करने लगे थे तो 10,000 की नौकरी मिली थी, आज 15,000-20,000 की नौकरी पे काम कर रहे हैं।
टू द फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फिर से बात बताता हूँ, ये मैं टॉप के कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ जब आप एमसीए कीजिएगा, ठीक है, तो एमसीए भी आप जो है वो कर सकते हैं, और एमसीए में भी कोई फीस खासी ज्यादा नहीं होती है, आपको थोड़ी सी तैयारी करके अच्छे एमसीए कॉलेज से करना होगा अपना तैयारी। याद रखिएगा, अगर आप बीसीए करते हैं तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप किसी बहुत ही अच्छे कॉलेज से एमसीए करें, जिसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, और अच्छे यूनिवर्सिटीज से, अच्छे कॉलेज से आज गूगल में मार लीजिएगा, सर्च मिल जाता है, ठीक है, वहां से एमसीए कीजिए, ताकि आपको एक एमसीए करने के बाद अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। तो घूम फिर के सरल शब्दों में एक ही बात है, बीटेक शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, बीसीए एमसीए विल बी सेकंड प्रायोरिटी। अगर आप बीटेक नहीं कर सकते हो तो आप बीसीए एमसीए के लिए जा सकते हो, लेकिन अपने लाइफ के दो साल सेक्रीफाइस करके और बैचलर्स और मास्टर्स को इक्वल करके अगर आप रख सकते हो तो ही जाना। तो घूम फिर के बस मोरल ऑफ द वीडियो इज दैट बीटेक इज मच बेटर दैन बीसीए प्लस एमसीए, जो मेरा कहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली तो बीसीए बहुत सस्ते में निपट जाता है, ये पूरे 3 साल की फीस ऐसा नहीं है कि इसकी इसमें महंगे कॉलेजेस होते हैं, देखिए फिर ये एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मेजोरिटी ये है कि बीटेक महंगा होता है, बीसीए से आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, बीसीए 3 साल में खत्म। और बीसीए और एमसीए करके देखो कैलिबर है, अगर बच्चे में कैलिबर है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि वो किस कॉलेज से करता है, फिर तो वो चाहे वो बिल्कुल ही बेकार से कॉलेज से भी कर ले तो भी वो अपने कैलिबर के दम पे आगे निकल जाता है। लेकिन कितने परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं ये भी देखिए ना, एक प्लेसमेंट बहुत जरूरी होती है, एक पायदान आपको जब मिल जाता है तो फिर आप उस पर ऊपर जा सकते हो, लेकिन खुद से पायदान ढूंढना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ये चीज मानिए। तो यही है बीसीए और बीटेक, बीसीए प्लस एमसीए, खुद सोचिए दो चीजें मिलकर बीटेक के बराबर हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपका पूरा मैंने हर तरीके से इसको बता दिया। इसके बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बचता है, नाउ यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर व्हाट एवर क्वेरी यू हैव, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट, ठीक है। तो ये था बिल्कुल अनबायस्ड और बिल्कुल ही सही सटीक और जो अभी इंडस्ट्री में चल रहा है उसके हिसाब से आपको एक मेरा सजेशन, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, अमल करना नहीं करना आपकी मर्जी है, ये मेरा अपना खुद का कॉन्सेंट था, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चीज से रिलेटेड या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।